हेलो स्टूडेंट्स, कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसके बेसिस पे आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपके सामने बोर्ड पे रीड करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड शो इट इन द फाइनल अकाउंट। हमें क्वेश्चन में गिवन है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन अमाउंट गिवन है ₹1 लाख विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन आप बोर्ड पे देखेंगे तो दो कॉलम है, एक ईयर 2019 एक कॉलम 2020। पहला स्टेटमेंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और दूसरा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग 2019 का है ₹20,000, 2020 का है ₹40,000, रिसीव्ड इन एडवांस 2019 का है ₹30,000, 2020 का है ₹20,000। इस इंफॉर्मेशन से हमें प्रिपेयर करना बेटा क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एज डिस्कस्ड अर्लियर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द करंट ईयर ट्रांजैक्शन। तो हम देखेंगे कि ये जो हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है इसके साथ साथ अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हुए इस साल की अगर कोई इनकम है जो नहीं भी मिली वो भी जुड़ेगी, और कोई मिली भी है वो इस साल की नहीं है तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉल्यूशन कैसे है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, समझिएगा। इनकम साइड में हमने क्रेडिट कॉलम में इनकम साइड पे हमने लिखा है बाय सब्सक्रिप्शन, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर ₹1 लाख का सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है वो जोड़ा। इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, जो कि हमें मिलना बाकी है। कौन सा? इस साल का सब्सक्रिप्शन जो अभी हमें मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा। कितना मिलेगा? 40,000 प्लस। इसके साथ आप देखेंगे मैंने एक और ट्रांजैक्शन ऐड किया है, एडवांस एट द बिगनिंग। एडवांस एट द बिगनिंग कौन सा? 2019 का ₹30,000 हमें जो मिला हुआ है ये भी हमारी इस साल की इनकम है। ये इनकम ऐड करी मैंने, दो ट्रांजेक्शन मैंने सब्ट्रैक्ट करे हैं, एक आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग और एक एडवांस एट बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग सब्ट्रैक्ट क्यों किया है? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हमारे इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जो नेक्स्ट ईयर की मेरे को इनकम होगी, मुझे रिसीव इस साल होगी, तो वो भी मेरी इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। मेरा फाइनल आंसर आया नेट इफेक्ट ₹1,30,000 इनको कंसिडर करने के बाद। ये मेरा अमाउंट हो गया ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज बैलेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन। फिर हमने यहां क्वेश्चन में पूछा है कि इफेक्ट इन द फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट में हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट एट ईयर एंड 2020 मेंटेन करनी होगी। तो 2020 के हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जो इफेक्ट है उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो वो देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020 का है मेरे पास 40,000, वो मैंने यहां एसेट में रिकॉर्ड किया क्योंकि ये अक्रूड इनकम है। और लायबिलिटी कॉलम में मैंने 2020 के ₹20,000 दिखाए जो कि मेरी अनअर्न इनकम है, मुझे मिल चुका है पैसा, लेकिन ये पैसा कब का है? अगले साल का है, तो इसलिए हमारी ये लायबिलिटी है। इस तरह ये मेरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर विद द बैलेंस शीट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन था सब्सक्रिप्शन का बैलेंस कैलकुलेट करना, इसको हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। एक और मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, वो क्वेश्चन भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट के साथ प्रिपेयर होगा, उसको मैं वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। ये दोनों वीडियो समझते हुए हम आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो आप पढ़िएगा और अप्लाई करने की कोशिश करिएगा।